दोस्तों आपका मोबाइल में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन होना चाहिए। यहाँ पे प्लस वाला आइकन में क्लिक करें। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइंग पेज में जाइए। ड्राइंग पेज में जाने के बाद क्रिएट न्यू, यहाँ पे प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद इसमें से एक साइज का इमेज चुन लें। चुनने के बाद इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करें। फोटो वाला बटन में क्लिक करके गैलरी में से एक फोटो चुन लें। प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए आपको अच्छा फोटो लेना होगा। यहाँ पे इसको ड्रैग करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे व्हाइट वाला बटन में क्लिक करके यहाँ पे आपको एडिट करना है। यहाँ पे इफेक्ट आपको चुनना है। कलर वाला बटन में क्लिक करके यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक दो बार क्लिक करें। इसको अमाउंट थोड़ा सा इतना आपको रखना है। यहाँ पे चेक मार्क है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन या ड्रॉ लिखा हुआ है इसमें क्लिक करें। यहाँ पे डब्बा वाला आइकन में क्लिक करने के बाद इसको वाइट एंड ब्लैक करें। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे इसका साइज चुन लें, 75 सेट किया। उसके बाद इसको जूम करके यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको साफ करना है। साइड साइड में पूरी तरह से साफ करें। साफ करने के बाद यहाँ पे ऊपर का डब्बा वाला आइकन में क्लिक करें। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद मेरा ऑप्शन में क्लिक करें। साइड वाला प्लस वाला आइकन में क्लिक करें कि यहाँ पे एक एमपीटी लेयर में क्लिक करें। एमपीटी लेयर को नीचे करें या ड्रैग करके उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी 100% दिखाई दे रहे हैं। उसमें साइड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक मार्क करें ताकि इमेज वाइट हो जाए। उसके बाद ऊपर वाला बटन में क्लिक करें। ऊपर वाला बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करें और ट्रांसफॉर्म में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे इसको जिस तरह से यहाँ पे देखते रहें देखते रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे ये टी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। आप इसमें से आप चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। मैं अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको टैक्स को एकदम मैं छोटा कर लेता हूँ। इसको कलर चुन लेता हूँ। यहाँ पे ब्लैक करना है पूरी तरह से। यहाँ पे चेक मार्क करें। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे इसका फॉन्ट भी आप चॉइस कर सकते हैं। मैं ये वाला फॉन्ट चॉइस कर लेता हूँ। थोड़ा सा साइज चेक मार्क किया। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से आपको टैक्स लगाना है। अब साइड में हो गया, इसको दो बार कर लेते हैं। इस
इमेज को थोड़ा सा साइज बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए साइज कम हो गया, उसके बाद यहाँ पे चेक मार किया, इसको बैक आने का, बैक आने के बाद फिर वापस यहाँ पे देखिए इस तरह से करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये गोल और चक्र से बना हुआ प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा कम करें, कम से कम 10% रखें। उसके बाद ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पे इसको ड्रैग करके देखें, इसको ड्रैग कर दें से, आपको इसको आपको मिलाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क है, चेक मार्क में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको सॉरी ये टैक्स वाला बटन में क्लिक करके यहाँ पे आपको आप टैक्स लिख सकते हैं। इसमें से मैं खुद का नाम लिख लेता हूँ, चेक मार्क किया। उसके बाद इसका कलर चॉइस करना है, कलर मैंने किया चॉइस। उसके बाद यहाँ पे इसको फंट इसमें, हाँ यही फंट मेरे को पसंद है, मैंने यही फंट यहाँ पे चॉइस कर लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला साइड में देखिए यस आइकन में क्लिक करके गैलरी में से ये एक फोटो मैं चॉइस कर लेता हूँ। इस फोटो को तरह से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे इसको ओपेसिटी एकदम कम कर इतना कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन में क्लिक करके स्क्रीन में टच करना है, स्क्रीन में किया टच। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लेता हूँ, चेक मार्क किया। चेक मार्क करने के बाद वापस इसको इफेक्ट यहाँ पे चेंज करना है, एफएक्स में क्लिक करें। एफएक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ हमें इसे एक मैं चॉइस कर लेता हूँ, ये लोगो वाला क्लिक करें। चेक मार्क करें, ये इमेज को आप गैलरी में सेव करें, गैलरी में हो गया सेव। इस तरह से आप प्रोफेशनल लोगो प्रोफाइल आप बना सकता है। दोस्तों मेरा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही।